इनका जो बाह्य रूप है उसको देख करके आदमी प्रसन्नता से भर जाता है, उतना ही इनका जो आंतरिक जो स्वरूप है, जो इनका गुण है, उसके द्वारा इस मनुष्य समाज का, प्राणी मात्र का जितना हित हो सकता है वह अन्य किसी भी चीज से नहीं हो सकता। इसलिए ये औषधियाँ बाह्य रूप से यह सुंदर हैं, इसके पत्ते, इसके फूल और विविध लताएं, वनस्पतियाँ, वृक्ष आपके मन के लिए, मन को प्रसन्नता देने के लिए यह सतत उद्यत हैं। और यदि आप करते हैं इनका प्रयोग तो आप देखेंगे आपके तन के रोगों का भी यह हरण करती हैं। तो अभी हम आज जिस पौधे के संदर्भ में चर्चा करने जा रहे हैं, इस पौधे का नाम है टेलीफोरा इंडिका। यह टेलीफोरा इंडिका का जो पौधा, जिसको हम आम प्रचलन की भाषा में दम बूटी या दम बेल के नाम से हम इसको जानते हैं, यह दम बेल, ये टेलीफोरा इंडिका, ये वास्तव में यथा नाम तथा गुण है। यह आयुर्वेद के ग्रंथों में इसके संदर्भ में कोई बहुत विस्तृत वर्णन हमने नहीं पाया, परंतु जब हमें इसके एक बहुत ही चमत्कारिक गुण का पता चला तो हमने इस पौधे के ऊपर अपनी तरह से यथासंभव अनुसंधान का प्रयत्न किया। तो इसका दम बेल, दम बूटी या जिसका बॉटनिकल नाम है टेलीफोरा इंडिका, तो हमने जब इसके संदर्भ में जाना तो जो यह भी कहीं एक बहुत ही बुजुर्ग महात्मा जो कुटिया बना करके रहते थे और उनके यहाँ ये लता लगी हुई थी, तो महात्मा जी इसके इस दम बेल की प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि बेटा यह ऐसा पौधा है कि यदि आदमी हर रोज एक पत्ता सुबह इसको मसल करके, गोल करके या चबा करके खा के गर्म पानी थोड़ा पी लें, यदि सिर्फ 3 पत्ता खा लेता है 3 दिन, तो उससे ही उसके दमा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो हमें लगा कि इतनी भयानक जो अस्थमा की जो परेशानी है, सांस रोग की परेशानी है, वो कैसे 3 दिन में 3 पत्तों से ठीक हो सकती है। तो हमने फिर इस दमबेल का बहुत रोगियों पर प्रयोग कराया। एक बार तो ऐसी स्थिति आई, आप देख रहे हैं इसमें से भी बहुत नीचे की पत्तियां सब खत्म हैं। हालांकि अभी हमने इस पौधे में कोई नाम लगाना बंद कर दिया, नाम लिख करके हमने नहीं रखा हुआ है, इसीलिए यह अभी हमारे पास सुरक्षित है। लोगों ने सारे पत्तियां उखाड़ दी, सब पत्तियां ले गए। फिर हमने पूछा उन रोगियों से तो हमने पाया कि वास्तव में बहुत काम करती है यह जड़ी, यह औषधि अस्थमा के लिए। मैं नहीं कह सकता कि 3 दिन के अंदर 3 पत्तों से कि 100% आपको अस्थमा ठीक हो जाएगा, परंतु मैं जरूर कह सकता हूँ कि यह बहुत चमत्कारिक है और आप चाहें तो इसका प्रयोग करके देखें। तो अस्थमा के लिए, दमा के लिए, श्वास रोग के लिए यह रामबाण है। इसकी जो प्रयोग की जो विधि है वह भी काफ़ी सरल है। तो आपको इन पत्ते को तोड़ना है और इसको गोल सा बनाना है, पत्ते को गोली की तरह से, या इसको चबा करके भी खा सकते हैं या इसको कूट करके भी, और गुनगुना जो गर्म पानी है पीने लायक पानी के साथ सुबह एकदम खाली पेट इसको ले लेना है। इससे आपको आपके अस्थमा में, कफ रोग में पूरा लाभ होगा। हालांकि आयुर्वेद के अंदर श्वास रोग के लिए, कफ रोगों के लिए बहुत सारी चमत्कारिक औषधियों का वर्णन है, परंतु उन औषधियों में यदि इस दमबेल की बात की जाए तो मैं कह सकता हूँ कि उनमें यह अग्रणी औषधि है।
श्वास रोगों के लिए, कफ रोगों के लिए हम भी बहुत सारी औषधियाँ बनाते हैं आप सबके लिए, आप उसका सेवन कर सकते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, उसको भयानक खांसी है, अस्थमा है, एलर्जिक प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस है, उस स्थिति में छोटे बच्चों के लिए आपको एक पत्ता भी नहीं लेना है, एक चौथाई पत्ता इसको लेकर के, इसको यदि छोटा बच्चा है तो आप इसमें थोड़ा सा शहद मिला करके इसको पीस करके फिर शहद मिला दें और फिर आप उसको दे दीजिए। तो उस तरह से आप उस बच्चे को पूरा सांस में और कफ में और फंसा हुआ जो बलगम है उसको निकालने में मदद कर सकते हैं। तुलसी की पत्ती, तुलसी हम सब जानते हैं और मैंने तुलसी के संदर्भ में आपको बहुत सारे उसके गुण मैं बता चुका हूँ। तो तुलसी का एक दो टपा रस निकाल करके थोड़ा शहद मिला करके यदि छोटा बच्चे को चटा देते हैं तो उससे भयानक कफ और खांसी ठीक हो सकती है। तो बनी बनाई जो सिरप है, जो कफ सिरप है, दूसरी औषधियाँ हैं, मैं कहता हूँ कि उससे भी कहीं बहुत निरापद है यह जड़ी बूटियाँ जो आप सीधा प्रयोग कर सकते हैं यदि आपके पास ये जड़ी बूटियाँ लगी हुई हैं। आज च्यवनप्राश के नाम पर लोगों में एक जिज्ञासा है, उत्सुकता है और एक बहुत बड़ा मार्केट भी है, परंतु हमने गुणवत्ता पर शायद इतना ध्यान नहीं दिया। इसकी वजह से आयुर्वेद की जो एक आज स्थिति होनी चाहिए थी वो स्थिति हम आज वहाँ पर नहीं पहुँचा पाए। तो च्यवनप्राश में जो जड़ी बूटियाँ डालनी चाहिए, जो क्वाथ होनी चाहिए, हमने उसमें कहीं सोना चांदी से लेकर के न जाने क्या क्या द्रव्यों का हमने प्रचार तो शुरू कर दिया, पर हम डालते नहीं हैं उसमें। क्षमा करना मुझे, जो जड़ी बूटियाँ डलनी चाहिए वो भी नहीं डलता है। और जो वैसर्ज्य रत्नावली में या दूसरे ग्रंथों में जो च्यवनप्राश का विधान है, च्यवनप्राश के संदर्भ में उसके विषय में जो अष्टवर्ग आदि जो मुख्य औषधियाँ हैं, जब हम उसके विषय में चर्चा करेंगे तो मैं आपको बहुत डिटेल में वो सारी बातें बताऊंगा। पर अभी मैं इतना जरूर बताना चाहता हूँ कि च्यवनप्राश के अंदर जो जड़ी बूटियाँ डालने का विधान है, यदि हम उसको डालें तो जैसा च्यवनप्राश का आज आपको दिखती है आकृति, वैसी नहीं होती है वो, उसकी आकृति बदल जाती है और उसका स्वाद बदल जाता है। और जहाँ तक लाभ की बात रही, मैं आपको बताता हूँ, हम सारी जड़ी बूटियाँ डालते हैं परंतु हम थोड़ी चीनी की मात्रा ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि यदि चीनी की मात्रा जितना शहद या चीनी का विधान है यदि हम उतना ही डालें तो इतना कड़वा हो जाए कि आप खा नहीं सकते हैं। तो हमने जड़ी बूटियाँ कम नहीं की, थोड़ी सी मीठे की मात्रा बढ़ा दी जिससे कि आदमी आराम से खा सके, उससे उसकी गुणवत्ता में कमी नहीं आई। परंतु आम जो लोग च्यवनप्राश बनाते हैं या जो कंपनियां बनाती हैं वहां पर बहुत सारी, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हमने उस गुणवत्ता पर कहीं ध्यान नहीं दिया, उनके घटकों में ध्यान नहीं दिया। आपके यहाँ टनों च्यवनप्राश बनता हो परंतु जड़ी बूटियाँ नहीं है कुंटलों में, तो फिर कैसे च्यवनप्राश बनेगा। तो जड़ी बूटियों का जो विधान है, जड़ी बूटियों की जो शक्ति है, तो च्यवनप्राश यदि आप बहुत ही ढंग से बनाएं तो वो मैं कहता हूँ कि यदि आप एक चम्मच सिर्फ च्यवनप्राश खा लें, वो ऐड में नहीं, च्यवनप्राश खा करके ऐड करके कूदने वाले तो बहुत आपको दिख जाएंगे, परंतु यदि आप स्वयं खा लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप नहीं जंप मार पाएंगे। पर असली च्यवनप्राश खाएंगे तो आप कूदेंगे तो नहीं, परंतु फिर भी आप अपने अंदर बहुत ही एनर्जी फील करेंगे। ये मेरा आपके साथ बिल्कुल कथन है और आप उसका सेवन करके उस लाभ को पा सकते हैं। आस्था के पावन ज्ञान प्रवाह में अभी लेना होगा हमें एक छोटा सा विराम। विराम के तुरंत बाद आपको जुकाम हो, खांसी हो, किसी भी तरह की एलर्जिक प्रॉब्लम हो, तो आपको किसी भी तरह की किसी भी औषधि सेवन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसके लिए आप अच्छी तरह से बना हुआ च्यवनप्राश, वह चाहे आश्रम का हो या कोई चिकित्सक वैद्य या जो आयुर्वेद का जानकार व्यक्ति आपके संपर्क में हो या आप स्वयं आयुर्वेद के जाता हैं, तो आप विशुद्ध रूप से च्यवनप्राश बनाइए और अपने मिलने वाले और अपने नजदीक के लोगों को आप सेवन कराइए। उससे च्यवनप्राश का तो उसकी प्रतिष्ठा, जो उसका यथार्थ जो रूप है, उसको मिलने से तो बढ़ेगा ही, उससे आपकी भी बढ़ेगी और आप बाकी लोग उसका सेवन करके वह भी तंदुरुस्त हो जाएंगे।
तो उस सब रोगों के लिए आप च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं, और तुलसी का जैसे मैंने कहा कि उस तरह की चीजों का काढ़ा बना करके पी सकते हैं, रस निकाल करके पी सकते हैं। और मैं चर्चा कर रहा था अभी इस टेलीफोरा इंडिका के विषय में कि यह बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है श्वास रोगों के लिए, कफ रोगों के लिए, यदि आप शहर में रहते हैं। हालांकि यह पौधा एक गमले में भी उग सकता है और आप इसका सेवन कर सकते हैं, तो फिर भी कई बार नहीं होता है तो उसके लिए हमें विकल्प ढूंढना पड़ता है। तो हमने इसको फिर छाया में सुखा करके लगभग 250 mg से आधा ग्राम तक की इसकी मात्रा हमने निर्धारित की, तो 250 mg को शहद में मिला करके फिर हमने चटाया। तो जो गले का रोग है, जो गले की खराश है या जो श्वास की बीमारी है, बलगम है, उसमें हमने देखा ये बहुत ही चमत्कारिक है, बहुत ही लाभकारी है। और जो लोग इसको डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं तो वो सीधा ही इसका प्रयोग करें, तो सुखा करके भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा प्रयोग हमने देखा चाय हानिकारक है, नहीं पीनी चाहिए, पत्ती की जगह आप उसमें तुलसी की पत्तियां और उसमें थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लौंग डाल दें और उसमें ये टेलीफोरा इंडिका के एक दो पत्तियों को थोड़ा कुचल करके डाल करके यदि आप काढ़ा बना करके पीते हैं तो उससे भी जो आपकी सर्दी की परेशानी है, कफ की बीमारी है या आपका बलगम जमा हुआ है, निकल नहीं पा रहा है, वो सब भी बड़ी सहजता से निकल जाएगा। उसके लिए भी जमे हुए कफ को निकालने के लिए, एलर्जिक प्रॉब्लम के लिए, और जिन भाइयों बहनों को साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, साइनस की परेशानी है, उसमें भी यह टेलीफोरा इंडिका, ये जो दम बूटी है, दम बेल है, यह अत्यंत कारगर है। जैसा कि मैंने कहा कि श्वास के लिए, कफ रोगों के लिए हम एक श्वासारी क्वाथ करके काढ़ा बनाते हैं, उस काढ़े को भी यदि आप लगभग 5 ग्राम को 400 ग्राम पानी में उबालिए, उबाल करके जब बच जाए 100 ग्राम आप छान करके सुबह और शाम पिए, जो कफ रोग है, सर्दी है, जुकाम है, बलगम है, एलर्जी है, अस्थमा है, साइनोसाइटिस है, सर्दी की समस्या है, उसकी वजह से यदि आपको दूसरी समस्याएं हैं वह भी निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा और वह निरापद है, अनुभूत है, और आप हमारे सेवा केंद्रों से ले सकते हैं। मैं तो इसको एक तरह से श्वास रोग की सफाया के लिए एक ये मैं अमृत मानता हूँ इस औषधि को, कि यदि जी के बिना भी आप नियमित रूप से प्राणायाम करते हैं, तो जो लोग इनहेलर ले रहे थे, जो बिल्कुल ऑक्सीजन के बिना नहीं रह पाते थे, जिनका 23-23 घंटा 24 घंटा वो ऑक्सीजन पर ही रहते थे, ऐसे लोगों का भी पूरी तरह से ऑक्सीजन छूटा है प्राणायाम के करने से। और उसके लिए हमारे यहाँ औषधियाँ अस्थमा के लिए, श्वास रोगों के लिए औषधियां हैं, उसके भी सेवन से, पर दमबूटी के सेवन से उसमें आप जरूर लाभ पा सकते हैं। आप किसी भी तरह के कोई भी चिकित्सा करा रहे हो, पर अस्थमा के लिए ये अस्थमा का हरण करने वाला जो यह पौधा है, यह जो औषधि है, इसको आप जरूर याद रखें और इसको लगा करके आप अपने घर आंगन की शोभा भी बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप औषधि सेवन करना नहीं चाहते हैं तब भी आप नियमित रूप से घर बैठे हुए प्राणायाम करें और खाने में थोड़ा सा ध्यान रखें, बहुत जरूरी है। आज की हमारी ऐसी परिस्थिति हो गई है कि जब तक बीमार नहीं होते हैं तो रोग के विषय में नहीं सोचते हैं, बीमार हो जाते हैं फिर भी हम गोली को खाने को तो तैयार हो जाते हैं, पर गोली के साथ जो पथ्य अपथ्य है उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अभी की घटना है, एक को बहुत ज़्यादा अभी एलर्जिक प्रॉब्लम हो गई, हमारे परिचित बहुत बड़े अधिकारी हैं वो, तो मैंने सुबह दवाई भेज दी थी, यहीं देहरादून की बात है, मैंने कहा जी कैसी स्थिति है, शाम को कहते हैं कि मैं बहुत ठीक हूँ, तो दूसरे दिन सुबह मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कैसे हैं, बोले जी फिर गला पकड़ लिया है, मैंने कहा शाम तक तो आप ठीक हो गए थे, आप कैसे ऐसा हो गया, कहने लगे वो गोलगप्पा खाने का मन कर गया, वो रात को हमने खा ली गोलगप्पा। तो आप जब सर्दी है, जुकाम है, आपकी आवाज़ नहीं निकल रही है, फिर भी आप गोलगप्पे खाएंगे तो दवाइयाँ क्या करेंगी, दवाइयाँ तो फिर वो बीमारी बढ़ेगी, दवाइयाँ दबाएगी बीमारी को, फिर संघर्ष होगा, फिर पैदा होगी एक नई बीमारी। तो ध्यान रखें, किसने कहा गला खराब और जुकाम कफ है तो आप गोलगप्पा खाएं, पता चला कि भयानक खांसी हो रही है फिर भी श्रीमान जी लेकर बैठ जाते हैं पराठा और दही, बिना घी के नहीं रहा जाता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि कितना हमने खाया यह महत्वपूर्ण नहीं है,
जीवन के अंदर न जाने हम क्या क्या खा डालते हैं, कितना अनाज हम खराब कर डालते हैं, पर कितना पचाया यह महत्वपूर्ण है। तो जब हमारा सिस्टम ठीक ना हो, डाइजेशन सिस्टम ठीक ना हो, बुखार हो, एलर्जी प्रॉब्लम हो, इस तरह से रोगों से हम ग्रस्त हों, तो अन्न पर जोर थोड़ा कम दें। कम अन्न से आप ज्यादा स्वस्थ होंगे, ज्यादा अन्न से आप रुग्ण होंगे, इसको आप बिल्कुल ना भूलें। तो ज्यादा खाने से नहीं, हमने कितना खाया या क्या खाया, मैं समझता हूँ यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण यह है कि हमने कितना पचाया। क्योंकि हम खा तो लेते हैं पर मल के द्वारा वो सारा ही ज्यों का त्यों निकल जाता है। तो आइए हम अपने थोड़े से खान पान को भी सुधारें। आप इस कार्यक्रम को देख करके अपने बहुत सारे जड़ी बूटियों के संदर्भ में, आयुर्वेदिक इन चमत्कारिक औषधियों के संदर्भ में अपने बहुत कुछ सीखा। आज हमने इस दम बूटी टेलीफोरा इंडिका के संदर्भ में आपको बहुत सारी जानकारियां दी और कुछ औषधीय प्रयोग के संदर्भ में भी हमने आपको बताया। फिर हम आपको आगे नियमित रूप से इसी तरह से आयुर्वेद के संदर्भ में, खान पान के संदर्भ में, कुछ बनी हुई औषधियों के प्रयोग के संदर्भ में, और फिर हमारे मन में है कुछ हम एक्यूप्रेशर आदि के संदर्भ में भी, जिससे आपका परिवार स्वस्थ हो और आप स्वयं निरोगी हो और देश इसी तरह से स्वस्थ होगा, आपका परिवार स्वस्थ होगा, आप स्वयं स्वस्थ होंगे, समाज स्वस्थ होगा, गांव स्वस्थ होगा, फिर प्रांत होगा, फिर पूरा देश होगा। पूरे देश को नहीं, पूरे विश्व को हमें निरामय करना है, हमें स्वस्थ बनाना है, उसी के लिए यह हमारा मिशन है। तो आइए आप प्रतिदिन इस कार्यक्रम के माध्यम से इस मिशन को जन जन तक पहुंचाने में आप सहभागी बने और आप भी जरूर इन सब चीजों को अपने जीवन में प्रयोग भी करें। कल तक के लिए विदा। कल फिर हम इसी समय आपके लिए और बहुत सारी औषधीय पौधों की जानकारी और जीवन के संदर्भ में ढेर सारे अनुभवों को लेकर के आएंगे आपके बीच। तब तक के लिए हमें दीजिए आप विदा, प्रणाम।